गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ इस ट्रिप की हम शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी वेट कर रहा हूँ अपनी कैब का, क्योंकि मुझे जाना है अपने स्कूल। बस बोर्डिंग यहाँ पर हो रही है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 9 के बच्चे गए, ग्रुप नंबर 9 एंड ऑलराइट। हाय, सो अभी हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। दिल्ली से अभी हम निकले जिम कॉर्बेट के लिए और अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं बच्चों के साथ मैं देख रहा हूँ, आप लोग एक्साइटेड हो? तो एक्साइटमेंट आप सुन सकते हैं। अभी तो दिल्ली से निकले हम अपने स्कूल से जिम कॉर्बेट के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? नैनीताल। तो आगे इस वीडियो बने रहेगा, आपको और भी एक्साइटमेंट चीजें और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे हम लोग। ये यहाँ पर हमारे डायनासोर नोट करते हुए बच्चों की लिस्ट। अभी तो हम अभी हमने दिल्ली क्रॉस नहीं किया है, अभी एनसीआर एरिया में हम लोग। अभी जस्ट अभी हमने नोएडा के तरफ है, जैसे नोएडा से थोड़ा सा आगे, बट अभी है लंबा सफ़र। 7 hours इट विल टेक, 7 to 8 hours लगेंगे यहाँ से दिल्ली से जिम कॉर्बेट की ओर जाने के। जिम कॉर्बेट है रामनगर में। ये दूसरी बस हमारे साथ जाते हुए, नाउ वी आर इन हापुड़। होगा पंजाबी तड़का फॉर द ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं यहाँ पर। संगीता मैम शाहरुख खान को देखने में बिजी है। संगीता मैम शाहरुख खान की रील्स देखने में बिजी है और हमें भूख लग रही है, इसलिए हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ये हमारे सामने दूसरी बस में से आ रही हैं शिप्रा मैम और पुष्पा मैम। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर रुके हैं यहाँ पर, और सही टाइम पर हम लोग पहुँच गए हैं। हम हैं कहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए वैसे? ये एरिया कौन सा है संगीता मैम? ये एरिया कौन सा है, मतलब कौन सी सिटी है? अभी सिटी नहीं बताना हमें, हमें अभी सिटी नहीं बताऊंगा। हापुड़ से तो आगे गजरौला। हाँ, तो हम गजरौला में हैं अभी, गजरौला से। मेरे पीछे आइए आप लोग। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मेरा ग्रुप है ग्रुप नंबर 9 एंड ग्रुप नंबर 9 के 8 सितारे मेरे। मैं भी ले लूं। ले लो सर। सर व्लॉगिंग कर रहे हो? चलिए, तो अचार मैं खाता नहीं अभी फिलहाल। देखते हैं। प्याज का पराठा है। प्याज का पराठा है, चलो ठीक है, मुझे दे दो। ठीक है, ओके। तो अभी देखते हैं, आलू का नहीं खा लेंगे? दही बहुत प्याज भी है ना। पराठा नहीं सर ने दे दिया है, पूरी भी नहीं खाऊंगा मैं। आलू की सब्जी ले लेते थोड़ी सी। थोड़े से पकोड़े भी खा लेते हैं।
थैंक यू, ये मैं बाद में लूँगा, ये मैं बाद में लेता हूँ सर, थैंक यू। चाय कॉफ़ी भी है, कॉम्प्लेक्स ये बाद में लेंगे, अभी फ़िलहाल ये खा लेते हैं पहले। कहाँ पर बैठे हैं? नहीं तो सर कहाँ बैठे हैं? ओके चलिए, हमने अपना फूड ले लिया, देखिए अब हम चले इस टेबल पर। बच्चों क्या बैठ जाऊँ मैं आप लोगों के साथ? I will sit here only. Okay. Hi Samaira. बेटा मैं गिटार संभालता या आप लोगों को संभालता? अभी हम कौन सी स्टेट में हैं? अभी हम हैं गजरौला। गजरौला कौन सी स्टेट है? गजरौला यूपी में है। हाँ जी बोलिए। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हमने यहाँ पर, और एक छोटा सा ज्ञान देना चाहूँगा, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो खाना हम कम खाएं, अच्छा उतना ही खाएं कि हमें बस ट्रैवल के टाइम पे भूख परेशान ना करें, पेट भर के ना खाएं, क्योंकि होता है हम अक्सर ज़्यादा टेस्टी खाना देखते हैं तो जल्दी से खा लेते हैं, बहुत सारा खा लेते हैं। अपना ट्रैवल ख़राब ना करें, आप कहीं भी जा रहे हैं आप बस उतना ही खाना खाएं कि जितना आपको भूख परेशान ना करें, और इन्जॉय करते हुए फिर अपना ट्रैवल ले सकते हैं। बड़ा रियल लग रहा है। हाँ अभी हम जिम कॉर्बेट पहुँचे नहीं हैं, जिम कॉर्बेट से थोड़ा सा दूर हैं अभी, लेकिन ये बहुत अच्छा व्यू है, मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आज तो। यहाँ पर ये कोई झांकी निकल रही है लेकिन पता नहीं किस लिए, एक मिनट को पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। भगवा यात्रा, ओके ये एक भगवा यात्रा है। अभी जिम कॉर्बेट के पास है, अभी पहुँचे नहीं हम लोग। देखिए कितना अच्छा अभी मौसम हो रहा है यहाँ पर। यस तो हम जिम कॉर्बेट पहुँच चुके हैं, हमारा रिजॉर्ट आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड तो लगा है। चलिए एक बार उतर के देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर जिम कॉर्बेट, देखते हैं क्या बातें हो रही है। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक प्रॉब्लम इन द सेंस कि शायद बसेज अंदर नहीं जा सकती या कुछ, एक बार देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। विपिन सर, विपिन सर हम कहाँ हैं? आम की मंडी आई है। विपिन सर के एक्सपर्ट कहाँ हैं? अब हम आ गए बनियान रिट्रीट रिसॉर्ट। संगीता मैम अभी क्या अपडेट है, हम लोग क्यों यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी? ये रोड बहुत नैरो है। ओके वी आर थिंकिंग कि द बस इज टू बिग, सो नाउ वी आर थिंकिंग फॉर द अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट। सो सम बसेस आर कमिंग फ्रॉम, क्या कहते हैं, कार्स एंड जीप्स आर कमिंग फ्रॉम द रेलवे। तो यहाँ की सड़कें आप देख सकते हो ये बहुत नैरो है, और हमारी जो बसेस हैं वो देखो कितनी बड़ी बड़ी बसेस हैं यहाँ पर। तो इसे ये नाला है क्या मैम? ये नाला नहीं है, ये पानी की कुल है। तो जो हम पहाड़ों में जहाँ खेत होते हैं उनके साथ है, खेतों को पानी जाने के लिए छोटा सा छोटी कुल होती है खेतों को। इसमें रनिंग वाटर है तो मतलब साफ होगा पानी। ये साफ पानी। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम इसी सड़क से अपनी बस को लेके जाएंगे। अब ये ड्राइवर का टैलेंट होगा किस तरह से वो लेके जाता है, देखते हैं। अब हम सब चले गए हैं, हमने एंट्री कर दी है नैरो सड़क में, हमने अपनी बस डाल दी है अभी। तो हम लोग अभी आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में, आगे सामने हमारा रिजॉर्ट है, बस यहाँ पे खड़ी करनी पड़ी क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नैरो है तो बसेस बड़ी हैं, तो पीछे ही अभी खड़ी हो गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, दिस इज़ द व्यू एंड वो आगे सामने आप देख रहे हैं, सामने आगे देख रहे हैं आप, ये हमारा रिजॉर्ट का एंट्री। दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है, वहाँ से पता चला दिल्ली में ठंड शुरू हो गई है फिर से, और यहाँ पर एक बहुत प्रेजेंट वेदर है। यहाँ पर अभी ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि ये उत्तराखंड है तो यहाँ ठंड काफ़ी हो रही है, सुनने में आया, टेम्परेचर देखा था हमने। और हमें अभी हम ऊपर जाएंगे नैनीताल की ओर तो और ज़्यादा ठंड होगी। बुलेंस वगैरह रख लिए हम लोग, और अभी तो एक्साइटेड हैं, देखते हैं क्या आगे वेदर हमें ले जाएगा। और ये देखिए सफारी, अरे वाह, नहीं मुझे लगा ये सफारी है, नो 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 दिस इज़ नॉट अ सफारी कार, लेकिन लग भी रही है, मतलब सामने आगे वाली कार देख के लग रही है कि ये सफारी कार ही है, बट पीछे वाला। वाओ एक्साइटमेंट, बहुत कुछ चेंज हो गया,
ग्रुप नंबर 9 का बैठा है। ये कौन सा ग्रुप है मैम? वाओ, ग्रुप नंबर 9 आ जाओ, वी विल सिट देयर ओनली। कहाँ पर जा रहे हैं अभी हम? हाँ, अभी क्या प्लान है? अभी लंच, लंच में हम लोग बच्चों को टी दे देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ बैठ जाएं या अभी वहीं चलें? अभी सीधा रेस्टोरेंट। तो अभी जा रहे हैं हम लंच करने के लिए, जल्दी आओ, हमें मिल नहीं रहा, हमें कहाँ जाना है अभी एग्जैक्ट, देखते हैं। सर, क्या स्विमिंग पूल वहाँ पर है? लेकिन स्विमिंग पूल में पानी है बेटा, लेकिन शाम में इतनी ठंड होगी ना। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, बट मेरा ग्रुप चल रहा है मेरे साथ में। ओके, तो पानी तो है लेकिन यहाँ पर इतनी ठंड होगी कि आपका मन नहीं करेगा कि मैं स्विमिंग करूँ। पता है अद्विक? अद्विक आपको पता है यहाँ पर पानी तो है देखो, लेकिन यहाँ पर ठंड इतनी है ना कि मन नहीं करेगा आपका। सर, मेरी मम्मी बोल रही थी ठंड लगेगी अभी आपको। हेलो, वी हैव सेवर श्रीवत, मजा आ रहा है श्रीवत? ओके, बहुत ठंडा भी होगा। हाँ, बहुत तेज भूख लग रही है गाइस, बहुत तेज भूख लग रही है। अब हम जाएंगे सीधा, पहले लंच करेंगे और उसके बाद हम फ्रेश वगैरह होंगे। हमें रूम अलॉटेड हैं, रूम की मिल जाएगी, उसके बाद हम फ्रेश आउट होंगे, उसके बाद जा करके हम फिर एक्सप्लोर करेंगे जिम कॉर्बेट को। यहाँ पर मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, सूप। वी ऑल आर हैविंग दिस सूप। चलिए मैं भी खा लेता हूँ खाना। हाँ जी बेटा, मैं ग्रुप के साथ सोना है कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है। सैलेड, ओके, दिस इज माय फेवरेट, रायता, नूडल्स, पनीर। क्या खाएं यहाँ पर आज? राइस खाएं, इस तरफ देख कर आते हैं। ओह, यहाँ तो आइसक्रीम मिल रही है, अभी आइसक्रीम तो नहीं खाना। सो अभी मेरे रूम में थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पर बाहर। सो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर, वेरी नाइस। अब बाकी के मेरे कलीग्स नीचे अपना रूम सॉर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ माय रूम, बैग लिया? हाँ, मैं लेकर आ रहा हूँ। लाइट्स कहाँ पर हैं? This is my room view. आगे का प्लान ये है कि 5-10 मिनट है हमारे पास जल्दी से, हम क्योंकि लंच हमने कर लिया है, अब हम जल्दी से नहा धो लेंगे, जल्दी से हमें चेंज कर लेना है, उसके बाद हम निकलेंगे घूमने के लिए। और शायद अभी हम मंदिर जाएंगे, देखते हैं अभी कहाँ पर क्या प्लान होता है, तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है लॉक करने का भी, मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए, बाय बाय। चलिए अब हम रेडी होकर के जा रहे हैं गिरजा देवी मंदिर, और जल्दी से हम बस में बोर्डिंग हो रहे हैं, अभी बोर्ड कर रहे हैं। दीज आर दी बस, चलिए हम निकले अपनी बस में, मेरी बस नंबर 2 है, तो मैं इस बस में जा रहा हूँ। नहीं ये डैम, हाँ ये डैम तो है, लेकिन ये ओसी, ओसी क्या होता है? बहुत टाइम से वेट कर रहा था मैं पहाड़ों में जाने के लिए, और मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहती है अगर मुझे कोई कहे ना कि पहाड़ों में चलें, हिल स्टेशन चले, तो मैं नैनीताल ही बोलता हूँ। अभी नैनीताल में नहीं हूँ, उसके थोड़ा सा करीब हूँ मैं, लेकिन ये जो अभी बड़े बड़े पहाड़ आए भी नहीं है,
लेकिन अभी ये जो थोड़ा सा वादियाँ हैं ना, ये एहसास दे रही हैं आपको कि आने वाले पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे मतलब थोड़ा सा दिल में धक 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 लगता है ना, तो मुझे पता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। किसे पहाड़ नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है पहाड़। और अभी देखो धीरे धीरे पहाड़ बढ़ रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है और ये मुझे एहसास दे रहे हैं कि आने वाली वादियाँ और भी खूबसूरत होंगी। तो गाइस हम पहुंच गए गर्जिया मंदिर। अभी वी हैव एंटर्ड इनटू गर्जिया मंदिर। ये फोटो ये पैसों की है, डर लगा है, डर लगता है। अभी तो मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब जो व्यू है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कैसा क्या यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो अभी हम जा रहे हैं नदी के पास, जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। आइए, ये रहा मंदिर यहाँ पर। ये पहाड़ मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये वाला पहाड़ ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो गिरजा देवी मंदिर है इसके ठीक पीछे यहाँ एक रिवर है, बहुत सुंदर रिवर है। इधर अभी हम लोग आएंगे दोबारा से कुछ फोटोज़ लेने के लिए, कुछ ग्लिम्सेस लेने के लिए, लेकिन अभी सबसे पहले हम मंदिर जा रहे हैं। एक बार मंदिर में विजिट कर लेते हैं पहले सब लोग, उसके बाद फिर हम लोग नदी में वापस आएंगे इस रिवर में, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि नदी के बीच में जाएं और नदी के बीच में जा करके कुछ फ़ोटोज़ लें हम लोग। तो हमने यहाँ पर शूज़ उतार लिए अपने अपने और क्या कहते हैं, हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये तो बहुत ऊंचा है, दूर से लग रहा था कि थोड़ा सा ही होगा, लेकिन अभी जाते हुए पता चल रहा है। ओह माय गॉड, अब तो डर लग रहा है चढ़ने में। Oh my God. मुझे हाइट से डर लगता है और अब मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि मैं बहुत ऊंचाई पर हूँ। लिखा हुआ है उधर, क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ यस यस यस, और वीडियो बनाओ। Oh,
ये जो यहाँ की सीढ़ियाँ हैं बहुत खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। तो मैंने जूते ले लिए हमने हाथ में, आइए हम नदी की ओर चले। आप चलो बेटा ग्रुप नंबर 9 एवरीवन आइए मेरे साथ आइए। अब हम सब जा रहे हैं रिवर में। ओ माय गॉड ये जो पत्थर हैं वो चुभ रहे हैं। चलिए बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आइए आराम से। मेरे साथ चलेंगे सब, कोई भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ आइए ग्रुप नंबर 9 हम यहाँ से चलते हैं। ये आ जाओ आ जाओ ग्रुप 7 इधर आओ तुम। तो ये रहा रिवर व्यू, अब हम जाएंगे रिवर के बीच में। चलेगा इस अंदर चलते हैं पानी के अंदर, बहुत ठंडा पानी है यहाँ पर। ये ओहो मैंने पजामा ऊपर नहीं किया, एक बार मैं लोअर पहले ऊपर कर लेता। चलिए ये बहुत ठंडा पानी है, ओह माय गॉड। बस पैर जमा के रखने पड़ेंगे इधर। तो ये वाली रिवर है कोसी, इस रिवर का नाम है कोसी रिवर। बड़ा साफ पानी था क्योंकि ऑफकोर्स बह रहा है ये पानी, तो बहुत साफ है और बहुत मज़ा आया। अभी पैर बहुत बिल्कुल ठंडे हो गए क्योंकि ठंड भी है यहाँ पर और पानी तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है। कुछ बच्चे मुझे बुला रहे हैं अभी अपने फ़ोटो क्लिक करवाने के, तो मैं जा रहा हूँ फिर से पानी में। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ओह माय गॉड जहाँ है चलिए अब हम लोग चले अपने वापस रिजॉर्ट में जिम कॉर्बेट। उसके बाद हम लोग वहाँ पर शायद स्नैक्स खाएंगे, कुछ स्नैक्स है और चाय कॉफ़ी, थोड़ा सा हम हाई टी ले लेंगे वहाँ पर। उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद शायद कुछ प्लान है, विल लेट यू नो, आपको पता चलता रहेगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एक 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 छोटा सा प्यारा सा दोस्त है मेरे पास युविका। हाय युविका, हाउ आर यू? यू आर एंजॉयिंग? यस। सो आर बस इज बस नंबर 2। चलिए बस नंबर 2 की ओर आ जाओ ग्रुप नंबर 9 कम ऑन। हम आ गए वापस अपने रिजॉर्ट मंदिर से, अब हम जाएंगे डिनर के लिए, नहीं सॉरी अब हम जाएंगे स्नैक्स के लिए। पर बहुत ठंडी हो रही है और उसके बाद है हमारा आज डीजे नाइट। बहुत ठंड हो रही है। हाँ बहुत ठंड है यहाँ पर, अब लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। सर पहले कमरे में जाके चेंज कर लें। ठंड बहुत है लेकिन इस मौसम में बहुत मज़ा आ रहा है ना सर। हम पहुँच गए कहाँ? हम पहुँच गए बनियान रिट्रीट रिसॉर्ट। इतना लंबा नाम। तो अभी शाम को तो बहुत ठंड है यहाँ पर, अब तक दिन में मैंने हाफ ही पहन रखा था लेकिन अब शाम में ठंड हो गई है और यहाँ पर है काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो अभी स्नैक्स खा लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद फिर अपने रूम में जाएंगे थोड़ा चेंज करेंगे। और अभी डीजे नाइट भी है यहाँ पर, तो अभी डीजे भी होगा यहाँ पर, डांस होगा। वाओ मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। चलिए देखते हैं आज खाने में क्या क्या है। बहुत टाइम बाद अभी डिनर के लिए निकल रहे हैं और जल्दी से बहुत भूख भी लग रही है। फिलहाल सबको देख लेता हूँ मैं एक बार कि सब लोग सो गए हैं, यानी हम लोगों ने खाना खा लिया है। अभी हम सब अपने अपने रूम्स में सो रहे हैं, चेक कर लेते हैं कि सारे बच्चे अपने अपने रूम्स में आराम से सेटल्ड हो गए। एंड मैं देख सकता हूँ कि सब लोगों ने लाइट्स ऑफ कर लिए, सब सो गए। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो गया है क्योंकि आज के पूरे दिन का हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया एक्सप्लोर किया वो सब मैंने इस वीडियो में डाला है। और नेक्स्ट डे थोड़ा सा टेक है इसलिए आज रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट डे का ब्लॉग देखेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट डे का ब्लॉग का, ठीक है? सो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए आप। और मैं एक्साइटेड हूँ कल के लिए, आप भी एक्साइटेड रहिए कल की चीज़ें हमारे साथ देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।